हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ओनली एपीएस। दोस्तों, जिदा कि आपको पता सारों भी ईटीटी दियाँ 5994 जिहड़ियां पोस्ट ने वो एडवर्टीज़ हुई ते प्रोसैस चल रहा अप्लाई करन दा। तो उस रिगार्ड जी दोस्तों, मैं लगा भी थोड़े जे कंसैप्ट जिहड़े ने प्रैपरेशन वास्ते जिहड़े सिलेबस ने ईटीटी दे, वो कुछ चैप्टर्स जिहड़े आपां नूं 9th-10th लैवल ते डिस्कस करने चाहिए। सो दोस्तों, अज दा पहला जिहड़ा मेरा टॉपिक है पार्ट वन चैप्टर मोशन है, तो अज आपां मोशन दी इंट्रोडक्शन बारे थोड़ी जी ईजी कंसैप्ट दे विच गल करन दी कोशिश करांगे। राइट, सो फ्रेंड्स, चैप्टर मोशन इंट्रोडक्शन आपां लैने आ। वट इज़ मोशन? सो सब तो कॉमन क्वेश्चन है भी वट इज़ मोशन। हुण जिहड़ा मोशन है इहनू आपां एक डायरैक्ट एविडेंस दे विच लैण दी कोशिश करांगे। अपने को दो तरह दे एविडेंस हुंदे आ मोशन वास्ते, एक हुंदा डायरैक्ट एविडेंस, एक हुंदा इनडायरैक्ट एविडेंस। सो वट इज़ मोशन इन टर्म्स ऑफ डायरैक्ट एविडेंस, वो आपां डिस्कस करांगे। आपां पहलां एक एग्जाम्पल लैने आ दोस्तों। सपोज अपने कोल आ ऑबजैक्ट ए, राइट, अपने कोल आ ऑबजैक्ट ए। सो ऑबजैक्ट ए जिहड़ा वा वो 10 बजे 10 AM दे उपर इट इज़ एट पोजिशन 1, राइट। दैन आफ्टर 10 मिनट्स 10 AM दे उपर जिहड़ा ऑबजैक्ट ए है इट चेंजेस इट्स पोजिशन टू फ्रॉम पोजिशन 1, एंड एट 10:25 AM द ऑबजैक्ट ए इज़ एट पोजिशन 3, राइट फ्रेंड्स। सो इफ वी सी दिस एग्जाम्पल, एट 10 AM ऑबजैक्ट ए एट पोजिशन 1, एट 10:10 AM ऑबजैक्ट ए एट पोजिशन 2, एंड एट 10:25 AM ऑबजैक्ट ए एट पोजिशन 3, राइट फ्रेंड्स। जे आप पूरी एग्जाम्पल की गल करिए तो इतों आप इनफर करते हैं कि इतों आप कंक्लूड करते हैं कि ऑबजैक्ट ए चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम, राइट। ऑबजैक्ट ए जड़ा वा वो अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है विद टाइम। ऑबजैक्ट ए इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम। नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी ऑफन से दैट एन ऑबजैक्ट इज इन मोशन when it changes its position with time। कोई भी ऑबजैक्ट जिहड़ा वा उहनूं आपां कदों कहिंदे आ भी ओह ऑबजैक्ट मोशन दे विच आ, when an object changes its position with time, जिस तरह कि आपां इह एग्जाम्पल च देखिआ, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अ डायरैक्ट एविडेंस ऑफ मोशन बिकॉज वी कैन सी द ऑबजैक्ट चेंजिंग द पोजिशन विद टाइम। सपोज आपां एक बस की एग्जाम्पल लै लैंदे, दैट बस इज़ मूविंग ऑन द रोड, तो वी कैन सी दैट बस चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम। आप जी बस है जो ऑबजैक्ट है आप देख सकते हैं, तो जो आप एक ऑबजैक्ट को देख सकते हैं पोजिशन चेंज करते हुए विद टाइम ना, दैन वी टेक इट एज डायरैक्ट एविडेंस ऑफ मोशन। फिर आप कहने डायरैक्ट एविडेंस ऑफ मोशन। सो दिस इज़ अ डायरैक्ट एविडेंस ऑफ मोशन बिकॉज वी कैन सी द ऑबजैक्ट चेंजिंग द पोजिशन विद टाइम। सो फ्रेंड, सैकेंड पार्ट आप देखते हैं इनडायरैक्ट एविडेंस। सो वट इज़ मोशन इन टर्म्स ऑफ इनडायरैक्ट एविडेंस? दीज आर द सिचुएशंस वेयर द मोशन इज़ इनफर्ड थ्रू इनडायरैक्ट एविडेंस। मतलब ये वो सिचुएशंस ने जिथे आप इनडायरैक्टली मोशन देखते हैं। वी डोंट सी द ऑबजैक्ट मूविंग बट वी कैन फील इट्स मोशन, राइट। सो दीज आर द सिचुएशंस वेयर द मोशन इज़ इनफर्ड थ्रू indirect evidence, means we do not see the objects moving but we can feel their presence of their motion. For example, we can infer the motion of air by observing the movement of dust and leaves of trees, right friends। hun air jehdi aa oda motion kinna jyada, ehi apni common life ch common example ch dekhde aa bhi jadon dust jyada tez uddi hai, bahut jyada uddi, it means motion of air is very high। जे वो थोड़ी क्वांटिटी है डस्ट तो मोशन जोड़ा वो घट है एयर का। सो एक इनडायरैक्ट एविडेंस है बिकॉज वी कैनॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट्स मोशन बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरैक्ट एविडेंस ऑफ मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड्स, सनराइज सनसेट एंड चेंज ऑफ सीजन्स इज इनफर्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ अर्थ विच वी डू नॉट परसीव डायरैक्टली। हुण सनराइज हुंदा, सनसैट हुंदा या सीजनस चेंज हुंदे आ, सो दीज आर ऑल ड्यू टू द चेंज इन द मोशन ऑफ द अर्थ या ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, बट वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ अर्थ, वी कैन फील इट
और वी कैन इन्फर इट इनडायरेक्टली फ्रॉम द फिनोमिना लाइक सनराइज सनसेट एंड चेंज ऑफ सीजन्स। सो फ्रेंड्स ये दोनों एग्जाम्पल्स जड़ियाँ ने इन्हें इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ मोशन दी राइट। सो आई होप कि ये दोवें चीज़ें जड़ियाँ डिफरेंस दो क्लीयर हो गया होगा। डायरैक्ट एविडेंस की होंगे जिसे आप वी कैन सी द ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन एंड इनडायरैक्ट एविडेंस वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट इन मोशन बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस वी कैन फील इट्स मोशन। ये आ गया अपना इनडायरैक्ट एविडेंस। सो आई होप कि ये दोवें चीज़ों का डिफरेंस जोड़ा वा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर होगा। सो फ्रेंड्स नैक्सट जी चीज़ आप डिस्कस करना करनी है दैट इज अपीयरेंस ऑफ मोशन टू डिफरेंट परसनस। जी स्टेट ऑफ मोशन है हाउ इट अपीयर टू डिफरेंट परसनस या अगर इन कॉमन लैंग्वेज गल करिए रिलेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑबजैक्ट। एक ऑबजैक्ट की रेस्ट पोजिशन तो मोशन के जी पोजिशन है वो उन्होंने दोवों का आपस की रिलेशन है एंड हाउ दिस मोशन अपीयर टू डिफरेंट परसनस ऑफ एन ऑबजेक्ट। एक ऑबजेक्ट का जो मोशन है वो डिफरेंट परसन किस तरह का लगता देखने। फ्रेंड्स एक छोटी जी डायग्राम है इनू एक्सप्लेन करने की चीज़ में राइट। जिस तरह आ ट्रीज़ ने अपने आ परसन है ऑन रोड खड़ा ट्रीज अलोंग द रोड एंड अ बस इज मूविंग ऑन द रोड राइट। सो एन ऑबजेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन परसन एंड द सेम ऑबजेक्ट मे अपीयर एट रेस्ट टू अनदर परसन। हो सकता है एक जी ऑबजेक्ट आ एक परसन वास्ते मोशन च होवे ते सेम ऑबजेक्ट जी दूसरे परसन वास्ते रेस्ट पोजिशन च होवे। तो दिस इज़ हाउ वी विल एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑबजेक्ट राइट। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल अ बस मूविंग अ मूविंग बस एंड पैसेंजर्स सिटिंग इन इट मे अपीयर एट रेस्ट टू द पर्सन सिटिंग इन द बस एंड ट्रीज अलोंग द रोड मे अपीयर इन मोशन। हुण जे एक परसन बस के अंदर बैठा राइट फ्रेंड्स भावें बस मूविंग आ राइट लेकिन वो जो परसन बस के अंदर बैठा वा बाकी जेडे पैसेंजर्स आ जी बस आ इट विल अपीयर एट द रेस्ट पोजिशन टू द पैसेंजर सिटिंग इन साइड द बस राइट। बस मूविंग आ बट इट विल अपीयर एट रेस्ट टू द परसन सिटिंग इन द बस। एक बंदे नू जेडे बाकी पैसेंजर्स ने बस के अंदर तो जी मूविंग बस है जो वह बंदा बस के अंदर बैठा तो इट विल अपीयर एट रेस्ट। तो जे इस चीज़ को दोस्तों आप दूसरी व्यू नाल देखिए हुण दिस परसन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड राइट एंड अ बस इज मूविंग ऑन द रोड। सो अ बस मूविंग ऑन द रोड विल बी इन मोशन टू द परसन स्टैंडिंग ऑन द रोड। हुण जिहड़ा परसन बस के अंदर बैठा सी राइट ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਬੱਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਬਟ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਅ ਬੱਸ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੋਡ ਵਿਲ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਰੈਸਟ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਬੱਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਟ ਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਬਟ ਅ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬੱਸ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦੈਟ ਅਦਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਬੱਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ and the trees alongside the road and the person standing on the road is in the motion। so friends a ek relation hai motion and rest position da ek object da and appearance of motion to different persons। i hope etho tak sab nu understand ho gaya hoga clear ho gaya। so friends is video da next the last topic types of motion jehda ki apan next video de vich inu continue karange edi explanation। तो लास्ट टॉपिक दी सिर्फ एक छोटी जी ओवरव्यू दूंगा कि साडा जिहड़ा लास्ट टॉपिक आ ते नैक्सट वीडियो दा जिहड़ा फर्स्ट टॉपिक आ वो है टाइप्स ऑफ मोशन। हुण मोशन जिहड़े आ किन्नी टाइप दे ने राइट। सो फर्स्ट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सीधे रस्ते दा मोशन मोशन इन ए सर्कुलर पाथ राइट रोटेटिंग मोशन एंड वाइब्रेटिंग मोशन। सो टाइप्स ऑफ मोशन साढ़े को ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए सर्कुलर पाथ रोटेटिंग मोशन एंड वाइब्रेटिंग मोशन राइट फ्रेंड्स। सो सम सिचुएशंस मे इनवॉल्व द कॉम्बीनेशन ऑफ द मोशंस मेंशन। कुछ सिचुएशंस एहो जी होनी या कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोशन एहो जिहा जिहदे विच ए जिहड़े मोशंस ने ए दो या दो का कॉम्बीनेशन भी हो सकता दो तो ज़्यादा का कॉम्बीनेशन भी आ सकता है राइट। सो ए सारा टॉपिक जिहड़ा वा आपां वन बाई वन अपने नैक्सट पार्ट च स्टार्ट करांगे सेकंड पार्ट बिकॉज दिस इज़ पार्ट वन ऑफ चैप्टर मोशन राइट।
तो नैक्सट पार्ट जोड़ा होगा वीडियो का वो जल्दी थोड़े को आऊगा। चैनल में सबसक्राइब करो ताकि जी साइंस की प्रैपरेशन है वह मैं जिनी अपने तौर पर ईजी वे करवा सकता या दस सकता कुछ ईजी पॉइंट्स थोनों ETT के एग्जाम वास्ते। सो होर वीडियोज़ वास्ते चैनल में सबसक्राइब करो राइट ताकि जो नैक्सट टॉपिक्स दीडियोज़ बनाने वो तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।